आज मैं बना रही हूँ मजेदार सा चिकन कीमा पुलाव। चलें अब रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। अब मैं आपको अज्जा बताती हूँ इसमें हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत है पुलाव के लिए। ये मेरे पास 3 मीडियम प्याज हैं और मैंने इनको रफली कट कर लिया है। ये मेरे पास 3 तेज़पात 2 अदद हैं और 2 से 3 हरी मिर्च है, बारीक मैंने काट लिया है इसको। ये मेरे पास सॉल्ट है, ये 4 टीस्पून मेरे पास सॉल्ट है और मेरे पास 4 कप चावल है। और हसबे जायका, आप तेज़ खाते हैं तो आप अपनी मर्जी से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। ये मेरे पास लहसुन अदरक का पेस्ट है 1 1 टेबल स्पून और इसमें 4 मैंने सब्ज़ मिर्च जो है वो ग्राइंड कर ली है। 3 मेरे पास मीडियम टमाटर हैं और मैंने इनकी पेस्ट बना ली है। 10 से 12 काली मिर्च है और 1 टेबल स्पून मेरे पास क्यूमन सीड्स हैं और 4 से 6 लौंग हैं और 1 बादे खताई और 2 बड़ी इलायची और 1 दालचीनी का टुकड़ा और 2 सब्ज़ इलायची है। कीमा मेरे पास 750 ग्राम है। ये फ्रोज़न कीमा है क्योंकि हमें यहाँ पे पहले से ला के फ्रिज की नज़र करना होता है। और ये मेरे पास 1/4 कप में ये ऑयल ले रही हूँ, कनोला ऑयल है। आप जिसमें बनाना चाहें वो आप डाल सकते हैं। शुरू करते हैं अपनी रेसिपी। ये देखिए 1/4 कप ऑयल चला गया। मैं एनियन ऐड करूंगी और ये देखिए जो मैंने पहले से कट करके रख लिए थे। अब मेरे प्याज का कलर जो मैं रखूंगी वो है डार्क ब्राउन, क्योंकि पुलाव के लिए हमेशा हमें थोड़ा सा प्याज को गोल्डन ब्राउन से थोड़ा और ब्राउन करना होता है ताकि कलर भी अच्छा सा आ जाए। ये देखिए प्याज हमारा तैयार हो रहा है पुलाव के लिए। प्याज जो है लाइट गोल्डन ब्राउन हो रहा है, लेकिन हम इसको थोड़ा सा और ब्राउन करेंगे ताकि, क्योंकि हमने चावल में भी कलर लाना है ना, और प्याज थोड़ा सा डार्क होगा तो चावल में भी अच्छा कलर आएगा पुलाव का। कुकर का इस्तेमाल किया क्योंकि मेरे पास फ्रोज़न कीमा है और ये इसमें अच्छा सा खुल भी जाता है कीमा आराम से और टाइम भी नहीं लेता और आपके टाइम थोड़ा लगता है। अब मैं इसमें लहसुन अदरक और हरी मिर्च का पेस्ट डालूंगी। इसमें कलर 1 मिनट के लिए मैं इसको फ्राई करूंगी लहसुन अदरक डालने के बाद। ये देखिए 1 मिनट हो गया मुझे इसकी भुनाई करते हुए और इसकी पिचाहट भी ख़त्म हो गई है, क्योंकि अगर पिचाहट रह जाए तो उसके अलहदा सा टेस्ट आता है। और ये मैंने कीमा डाल दिया। कीमे के साथ ये मसाला जाता है, ये आप सॉल्ट चाहिएगा क्योंकि मैंने अब इसको वेट पे पकाना है ताकि कीमा भी खुल जाएगा आराम से, आप फिर इसकी भुनाई कर सकते हैं। अभी तो मैं खुले में भुनाई करूंगी और लेकिन उसके बाद मैं वेट लगाऊंगी थोड़ा पानी डालकर और ये थोड़ा नरम भी हो जाएगा। आप दूसरा पॉट यूज़ कर सकते हैं अगर कुकर नहीं भी है। कीमे की भुनाई करूंगी इसी के साथ इन्हीं मसालों में, फिर ये वेट लगाऊंगी तो जब कीमा खुलेगा उसके उसको फिर मैं भुनाई करूंगी। कीमा देखें ये इस तरह आप खोल भी सकते हैं। ये मैंने मसालों की भुनाई कर ली है। देखिए अगर हम इसको वेट नहीं भी लगाते ना, ये देखिए मैं भुनाई करते करते कीमा खुलता जा रहा है। कोई चिकन का कीमा इसके लिए हमें इतना टाइम नहीं लगता बनाने में। कीमा मिक्स होता जा रहा है साथ साथ जैसे जैसे खुलता जा रहा है। मैंने 2 टेबल स्पून पानी ऐड किया क्योंकि ज़रूरत नहीं है इसमें। आप भी देखते होंगे जैसे जैसे बन रहा है
पानी भी निकलता जा रहा है इसमें से। अब मैं इसको 2 मिनट के लिए वेट लगाऊंगी ताकि ये जल्दी से फूले। ये आपने वेट जब लगाना है तो आपने इसका अंदाज़ा करना है कि इसमें कितना पानी है। इतने पानी में हम 2 मिनट देंगे इसको। जब जैसे ही सीटी बजेगी हम अपने फ्लेम को बंद कर देंगे। अब ये हाई पे था, अब मैंने मीडियम फ्लेम पे कर दिया। वेट को हिलते हुए 2 मिनट हो गए हैं। अब मैं इसको फ्लेम को ऑफ करूंगी और उसके बाद हम जैसे ही स्टीम इसकी ख़त्म होगी तो फिर मैं इसको खोल के शेयर करूंगी आपको। तकरीबन 2 मिनट हो गए हैं और ये मैं इसको, ये देखिए कीमा, आपने देखा कैसा आराम से खुल गया वेट लगाने से। जल्दी हो गया, खुल तो वैसे भी जाता लेकिन टाइम लेता। अब मैं इसकी भुनाई करूंगी, साथ में मैं ये हरी मिर्च डाल दूँगी। जब हम इसकी भुनाई करेंगे इसकी एक टिपिकल सी स्मेल होती है कीमे की, वो भी ख़त्म हो जाएगी। ये देखिए लाइट ब्राउन ब्राउन सा। 5 से 7 मिनट में इसकी भुनाई करूंगी। प्यारा ब्राउन और खुशबुएँ उठ रही हैं, बहुत प्यारी तरह से खुशबू आ रही है। ये देखिए आपका ये कीमा है, अच्छा सा मिक्स हो गया। ये मुझे 5 से 6 मिनट हो गए, 1-2 मिनट में और करूँगी इसकी भुनाई। और मैं इसमें पानी ऐड करूँगी और बॉइल जोश आने पे फिर इसको इसमें चावल डालूँ। बहुत प्यारी प्यारी उठती है कीमा हमारा, आखिरी मराहल पर है। और ये देखें बनाई मुकम्मल हो गई। 4 कप चावल है और 5.5 कप में जो पानी लगाऊंगी। अब इसको बॉईल होने देंगे, इसको मैं कवर कर दूंगी विदाउट वेट। अब मैं वेट नहीं लगाऊंगी, अब मैंने पानी जोश आएगा तो उसके बाद मैं इसमें चावल डालूंगी। 4 कप चावल है मैंने, जो मैंने आधा घंटा पहले भिगो दिए थे। ये बस ये मैं इतने टाइम के लिए भिगोती हूँ क्योंकि ये पानी ज़्यादा भीगे भी हो तो फिर जल्दी नरम हो जाता, तो मैंने अंदाजे से अपने आधे घंटे का रखा। ये देखिए जोश आए थे, अब मैं इसमें चावल डालूंगी। बस अब रेडी है, इसमें मैं चावल डालूंगी जो मैंने अब इस खुले बर्तन में डाल दिए, और मैं इसमें अब चावल डालूंगी। कवर करके पकाऊंगी। चावल जब गलने पे आएंगे तो मैं देखूंगी इसका एक कनी पे होगा तो मैं इसको दम पे लगा दूंगी। एक एक दाना जो है चावल ये मैंने हिला दिया। अब मैं इस पर गार्निश करूँगी ताकि उसके पुलाव की बहुत प्यारी खुशबू होती है। मेरे पास पुदीना है, ड्राई पुदीना है, इसको मैं धो के ड्राई कर लेती हूँ। सीजनल घर का ये फ्रेश है, लेकिन ये मैं इस पर ड्राई डालूँगी। ये मेरे पास सब्ज धनिया है, और मैं ये ग्रीन अनियंस है और इसका ग्रीन पार्ट मैंने यूज़ किया है, और साथ अदरक काट के डाला। ये देखिए अब मैं इसको दम पे लगाऊंगी, हल्का सा जीरा डालूंगी। ठीक है, ये जीरा स्प्रिंकल कर दिया मैंने और 3 से 4 लौंग मैंने डाले। और अब इसी को दम पे रखूंगी और इसको बंद कवर करके 3 से 4 मिनट दाम पे रखूंगी और फिर चेक करेंगे। हाँ जी, रेसिपी हमारी रेडी है तकरीबन।
मैं चावलों का दाम तोड़ूंगी क्योंकि अब मैं इसका कवर जो उठाने लगी हूँ। देखिए माशाल्लाह और कितनी प्यारी खुशबू आ रही है उसकी जो मैंने ऊपर गार्निश किया था। अब हम इनको मिक्स कर देंगे। माशाल्लाह बहुत प्यारे चावल बने। ये देखें ये राइस देखे क्या प्यारी खुशबू आ रही है। आपका भी दिल चाहेगा कि हम भी बना के टेस्ट करें और इन्जॉय करें चावल। माशाल्लाह ये रेसिपी आप प्लीज़ ट्राई ज़रूर कीजिएगा और बड़ी मज़े का ये पुलाव बनता है चिकन कीमा के साथ। बच्चे बड़े छोटे सभी ये शौक से खाएंगे और जब टेस्टी बना हुआ होता है और उसका मज़ा ही दुबाला होता है और आपको अच्छा लगता है खाने में भी। ये देखिए दाना कैसे अलग अलग है और कोई आप ये देखें और बड़ा अच्छा नरम हुआ है जैसे कि चावल हमारे होने चाहिए। अब मैं डिश आउट करूंगी। मज़ेदार सा चिकन कीमा पुलाव तैयार है। उम्मीद है आपको मेरी रेसिपी पसंद आएगी और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना ना भूलिएगा प्लीज़। ये बहुत ज़रूरी है। थैंक यू, शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम।